उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आर्य समाज बलरामपुर द्वारा इस वर्ष श्रावणी पर्व को आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष में रक्षाबंधन से लेकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक 9 स्थानों पर बृहद यज्ञ और प्रवचन करके मनाया गया। 9वें दिन 9 कुंडिया यज्ञ करके ओम भवन में पूर्णाहुति की गई। भजन श्रृंखला प्रस्तुत करने के बाद बताया गया कि विदेशी शासन के विरुद्ध आंदोलन के मूल सूत्राधार महर्षि दयानंद ही थे। महर्षि ने लिखा है, जब परदेशी हमारे देश में व्यापार करेंगे तो दारिद्र्य और दुख के बिना दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। स्वदेशी भावना को प्रबलता से जगाते हुए ऋषि बड़े मार्मिक शब्दों में लिखते हैं, इतने से ही समझ लो कि अंग्रेज अपने देश के जूते का भी जितना मान करते हैं उतना अन्य देश के मनुष्यों का भी नहीं करते। महर्षि की इसी स्वदेशी भावना का परिणाम था कि भारत में सबसे पहले सन 1879 में आर्य समाज लाहौर के सदस्यों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सामूहिक संकल्प लिया था, जिसका विवरण 14 अगस्त 1879 में स्टेटस मैन अखबार में मिलता है। महर्षि दयानंद के राष्ट्रीय विचारों के महत्व को अंग्रेज बहुत गहराई से अनुभव करते थे। सन 1911 की जनगणना के अध्यक्ष मी ब्लंट लिखते हैं, दयानंद मात्र गौ हत्याबंदी, शराबबंदी, स्त्रियों को शिक्षा का समान अधिकार, दलित उद्धार, विधवा विवाह आदि आंदोलन के प्रेरणाता तथा अंधविश्वास और कुरीतियों के विनाशक व धार्मिक सुधारक ही नहीं थे, वो एक महान देशभक्त थे। ये कहना अधिक ठीक होगा कि उनके लिए धार्मिक सुधार राष्ट्रीय सुधार का ही एक उपाय था। एक अन्य स्थान पर यही ब्लंट लिखते थे, आर्य समाज के सिद्धांतों में देश प्रेम की प्रेरणा है। आर्य सिद्धांत और आर्य शिक्षा समाज रूप से भारत के प्राचीन गौरव की गीत गाते हैं। ऐसा करके वे अपने अनुयायियों में राष्ट्र के प्राचीन गौरव की भावना भरते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।